और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान जारी है, जो कि 6 बजे तक होंगे। अपने सहयोगियों का रुख लगातार हम कर रहे हैं। पौड़ी से भगवान सिंह, हरिद्वार से ऋषभ और देहरादून से सुभाष मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, उत्तराखंड से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है, यानी कि करीब करीब 50%। नैनीताल जिले में 3 बजे तक 52.1% मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में 46.64% मतदान हो चुका है। ऊधम सिंह नगर में 55.47% मतदान हुआ। वहीं चंपावत में 47.63%, वहीं पिथौरागढ़ में 46.64% मतदान हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50% मतदान जो है अब तक, यानी कि 4 बजे तक उत्तराखंड में हो चुका है। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैदानी इलाकों की अगर बात करें उत्तराखंड की, तो मैदानी इलाकों में 3 बजे तक के बाद जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा नजर आता है, उसकी संख्या ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। धीरे धीरे जैसे कि मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हैं ग्राउंड जीरो से, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से भीड़ मरती हुई मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई, जहां पर उत्तराखंड में करीब करीब 50% मतदान हो चुका है। मेरे सहयोगी पौड़ी से भगवान, हरिद्वार से ऋषभ और देहरादून से सुभाष लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुभाष आपका मैं रुक करूंगी। सुभाष, देहरादून में कितने फीसदी मतदान अभी हो चुका है? सुभाष मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो सुभाष तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पौड़ी से भगवान का मैं रुक करूंगी। भगवान, पौड़ी में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है अब तक? इसमें आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज आ रही क्या आप लोगों को? मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र में, जो कि खैरासैन ये पड़ता है, और इसमें 4 ग्राम सभाओं के बूथ है, जो कि इसपे 1150 मतदाता यहाँ पे है और 585 यहाँ पे महिला है, पुरुष है, 565 यहाँ पे महिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट का जो वो है देखा जाता है। यहाँ पे टक्कर में आपको बता दूं तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है केसर सिंह नेगी और उनके साथ तत्पाल महाराज, जो कि पूर्व मंत्री है और विधायक भी है, तो कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पे की कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बात करें यहाँ पे तो तमाम यहाँ पे महिलाएं जो बढ़ चढ़ कर अपने वोटिंग के लिए डालने का अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद है, मैं उनसे भी पूछूंगा तो इस बार का यहाँ पे वोटिंग का जो रुझान होगा क्या होगा। आप कहाँ से भाई? से इस बार का वोट का परिवेश किस तरह से आप होगा, क्या है? इस तरह का भाई देखो, यहाँ पे सतपाल महाराज भी है जो कि वर्तमान के विधायक है और मंत्री भी है, और ये जो क्षेत्र है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, तो किस तरह से मानते हैं आप इस क्षेत्र को? देखो तो पता नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग यहाँ पे जिस तरह से, मैं कुछ और लोगों से यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं भगवान, कुछ और भी लोग आपके पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिए और जानिए आज के लोकतंत्र के पर्व में किस तरह से वो हिस्सेदारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे पधारे हैं। एक्चुअली मेरा, मैं आपको थोड़ा अपने परिचय अपन न्यूज वर्ल्डों को भी सभी को सभी दर्शकों, क्योंकि मेरा गांव भी यही है, मैं जानता हूं। तो किस तरह से मन? मैं इस बूथ के बारे में कहूंगा आपको कि सबसे पहले तो यह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, और यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं मतदाताओं में बहुत बड़ी जागरूकता है कि अपनी मत का प्रयोग किया जाए। आज का जो हमारा नागरिक है, इस लोकतंत्र के मेले में हर कोई सम्मिलित होना चाहता है और चाहता है कि मेरी भी अपनी सरकार में भागीदारी बने। इस परिपेक्ष में जो आपने पूछा कि यहाँ पे क्या रुझान है, उस संबंध में मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो है वर्तमान में जो इस विकास की लहर जो है हमारी सरकार के द्वारा चल रही है, इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मतदाता जो है लगभग अभी भी आपको 200-300 लोग जो है लाइन में खड़े हैं, महिलाएं विशेष करके, उनका एक बहुत बड़ा अच्छा है।
तो ये सारा जो है हमारे इसका क्रेडिट जो है सारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाता है और हमारी उत्तराखंड में चल रही है जिसने कि एक विकास की एक बयार जो है आई है उसके लिए सभी लोग बहुत इच्छुक हैं और अपने वोट का सही प्रयोग करना चाहते हैं। एक सवाल मेरा भी होता है क्योंकि मेरा भी गांव है कहा जाता है कि अपने गांव के बारे में अगर मैं जो भी जनप्रतिनिधि हो समस्या हो समाधान है लेकिन यहां पे सबसे महत्वपूर्ण की पार्टी है आपकी सरकार आप करीब मोदी जी के नेतृत्व में लेकिन यहां पे अभी तक जो झील थी वो झील गई कहां? झील कहीं नहीं गई। झील के लिए हमने दो प्रस्ताव दिए थे कार्यशाला सतपुली में चूंकि हमारा केंद्र जो है सतपुली है इसलिए प्रियोरिटी में हमने सतपुली को रखा है और आने वाले समय में अभी आप देख रहे होंगे मेरे फ्रंट पे यहाँ पे एक सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है जो कि रात में आपको एक मिनी मसूरी के रूप में दिखाई देता है। तो विकास की जो लहर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और चारों तरफ जो है सड़कों का जाल बिछ चुका है। इसके अलावा जितने भी काम थोड़ा बहुत छूटे हैं उनके लिए हम प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में हम उनको तुरंत जो है बढ़ाएंगे। अभी एक मुख्य मुद्दे में आपको बताऊंगा कि हमारा एक मुख्य मुद्दा था तारकेश्वर धाम को जो है एक सर्किट के रूप में जोड़ने का वो काम अभी अभी पूरा हुआ है और आपको पता होगा कि गोइलाणी ओड्डा से होते हुए आपको तारकेश्वर के लिए मोटर मार्ग जोड़ दिया गया है। दूसरा जो है दुदारखाल के नीचे से रीठाखाल के लिए कुल योजना थी जो कि सरकार के आते ही बिल्कुल भगवान जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं उसे वाकई समझ आता है कि इन लोगों को बखूबी अब अंदाजा हो चुका है कि भले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जितने भी प्रलोभन दे दें लेकिन उन्हें विकास चाहिए अपने क्षेत्र में। यहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना हो चुकी है और बहुत जल्दी डिग्री कॉलेज होने वाला है। ये तमाम विकास कार्य है और ये छोटे मोटे कार्य जो है गाँव के संपर्क मार्ग है कई अन्य कार्य हैं लोगों की जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। भगवान की मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। जो है ये सुविधा उपलब्ध नहीं कई लोग मेरे संज्ञान की बात मैं अपनी पर्सनल बात आपसे कर रहा हूं कि मैंने स्वयं तीन व्यक्तियों के इस उत्तराखंड में तीन व्यक्तियों के एक साथ मैंने 6.5 लाख रुपए स्वीकृत करवाए हैं और जिनका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। तो ऐसा नहीं है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है लोगों को घर घर राशन दी जा रही है। कोरोना काल में कई लोग ऐसे थे कि जिनको सुभाष मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? अनाज मूल्य नहीं था उनको हमारी सरकारों ने जो है मुफ्त राशन दिए और आज वो लोग जो है बड़े शौक से कहते हैं कि अगर हमारे कोई पालनहार है तो बीजेपी सरकार। सुभाष क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और करीब करीब 50% मतदान जो है वो उत्तराखंड में अब तक हो चुका है। तो ऐसे में 4 से ज्यादा का वक्त हो गया है अब 2 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में तमाम कतारें जो हैं तस्वीरों में हमें दिखाई दे रही है काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि ये उनका अधिकार है और वो ही अपनी सरकार को चुनेंगे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे नहीं करवा सकता है। तो पोलिंग बूथों की तस्वीरें आप देख रहे हैं चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं भारी संख्या में यहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो 391 प्रत्याशी गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की 41 सीटों से जबकि कुमाऊं मंडल की 29 सीटों पर 241 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आज सुबह से ही इनकी किस्मत ईवीएम में कैद होती हुई हमें नजर आ रही है। तो देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून की 10 विधानसभा सीटों पर 117 प्रत्याशी मैदान में हैं वहीं हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों पर 110 प्रत्याशी हैं। उत्तरकाशी की हम बात करें तो उत्तरकाशी जिले की 3 सीटों पर 23 प्रत्याशी मैदान में वहीं चमोली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 31 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले की 2 विधानसभा सीटों पर 25 प्रत्याशी टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 38 पौड़ी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 47 प्रत्याशी और पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 28 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अगर और जिले की मैं बात करूं तो बागेश्वर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर 14 प्रत्याशी हैं अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 50 प्रत्याशी हैं चंपावत जिले की 2 विधानसभा सीटों पर 14 प्रत्याशी बताए जा रहे हैं नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 63 प्रत्याशी और ऊधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर
72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट पर बताए जा रहे हैं। तो मंगलौर से मेरे सहयोगी अखिल ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है, किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिली और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, देखिए। मतदान शुरू हो चुका है, इस वक्त मंगलौर विधानसभा के एक बूथ पे खड़े हैं। ये आदर्श बूथ के नाम से जाना जा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी सजाया गया है उस बूथ को, फूलों की व्यवस्था की है, रंगोली की व्यवस्था की है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ एक बैनर भी चिपका दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और काफ़ी संख्या में मतदाता यहाँ मतदान करने के लिए आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अभी बाहर से जैसे काफ़ी इंतज़ाम किया गया है, काफ़ी संख्या में सुबह से ही जब से मतदान शुरू हुआ है यहाँ मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए। मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और काफ़ी मतदान के प्रति मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। मंगलौर से न्यूज़ वर्ल्ड के लिए अकील अहमद। तो मंगलौर से सीधे ग्राउंड जीरो पर आपने तस्वीरें देखी, भारी संख्या में मतदाता यहां पहुंचे हुए थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अलग अलग जगहों से हम लगातार अपने रिपोर्टर से संपर्क साध रहे हैं, उनसे ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार चुनावी कवरेज बरकरार रख रही है और शाम 6 बजे तक की चुनावी कवरेज लगातार बरकरार रहेगी। तो ऐसे में आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ लगातार बने रहिए। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष, क्या मेरी आवाज अब आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सुभाष, देहरादून की अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है, कैसी तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में 3 बजे के बाद ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। जी बिल्कुल, ये सुबह से यही बात हम कह रहे थे कि पहले चरण में यानी कि सुबह 8 बजे मैदानी क्षेत्रों में खासतौर से राजधानी के जो पोलिंग बूथ थे उन बूथों पर कहीं ना कहीं भीड़ नजर आ रही थी और दोपहर यानी कि 9-10 बजे के बाद से फिर से उनमें भीड़ जो छटना शुरू हो गई थी, बहुत कम संख्या में लोग नजर आ रहे थे। लेकिन फिर दोपहर 2 बजे के बाद से राजधानी देहरादून के और मैदानी क्षेत्रों के जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और लोग मतदान डालने के लिए पहुंचे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अभी तक 3 बजे तक की बात की जाए या फिर कहा जा सकता है कि लगभग 39% वोट पूरे प्रदेश में हो चुका है। जो उम्मीद की जा रही थी कि शाम ढलते ढलते जो मत प्रतिशत है वो बहुत तेजी से पूरे प्रदेश का बढ़ेगा और ये इस बार नजर भी आया। लेकिन अभी भी वक्त का इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो 4 बजे मत प्रतिशत निर्वाचन आयोग की तरफ से भेजी जाती है उसमें कितना मत प्रतिशत दिखाया जाता है। लेकिन ये जरूर है कि शाम होते होते राजधानी देहरादून समेत कई मैदानी क्षेत्रों में जो मत प्रतिशत है वो बहुत तेजी से बढ़ा और उम्मीद ये की जा रही है कि शाम 6 बजे तक मत प्रतिशत में तेजी आएगी। जी चलिए ठीक है, सुभाष आप मेरे साथ बने रहिए। हरिद्वार से ऋषभ भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, हरिद्वार में किस तरह का वोटिंग परसेंट देखने के लिए मिल रहा है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में जो वोटिंग पोल ये मतदाता केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं, यहाँ पर सुबह 9 बजे के बाद 12 बजे तक लंबी लंबी कतारें थी लेकिन उसके बाद थोड़ी भीड़ यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। महिलाएं भी काफी ज्यादा यहाँ पर हमें दिखाई दी है वोटिंग पोल पर वोट डालती हुई। और उसके बाद जो अब स्थिति देखी जा रही है तो काफी कम मतदाता जो बचे हैं वोट डालने नहीं आ पाए। जी बिल्कुल ऋषभ, अगर बात की जाए महिला मतदाताओं की तो महिला मतदाता कितनी संख्या में आपको नजर आई हैं, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं सुबह से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो महिला मतदाता है वो यहाँ पर 9 से 12 बजे के बीच काफी लंबी कतारें थी और महिलाओं की उसमें ज्यादा थी लेकिन उसके बाद अब जो स्थिति है यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, मतदाताओं की ही कम दिखाई दे रही है। जी यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत यहाँ का बना हुआ है उसमें इक्का दुक्का प्रतिशत जो है उसकी बढ़ोतरी होगी, उससे ज्यादा नहीं। जी बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि जो इस टाइम
क्या परसेंटेज जिले का निकल के आ रहा है वो 58 करीबन जिले का निकल के आ रहा है और 14,20,000 यहाँ पे 11 विधानसभा में वोट है और 110 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे नजर आए ऋषभ, हरिद्वार में कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता पहुंची थी मतदान केंद्रों पे, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रही थी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये विकास का मुद्दे को लेकर यहाँ पर मतदाता यहाँ पर चुनाव अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए पहुंचे थे क्योंकि यहाँ पर 20 सालों से बीजेपी विधायक मदन कौशिक रहे हैं और पांचवी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि सबसे बड़ा यह मुद्दा जो है इस टाइम नशा बना हुआ है क्योंकि नशे पे रोक नहीं है 20 साल से मदन कौशिक विधायक है और यहाँ पर विकास कुछ नहीं, रोड वही की वही, कोई शिक्षा का क्षेत्र में कोई बात नहीं है यहाँ पर, हॉस्पिटल के क्षेत्र में कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से जनता परेशान है हरिद्वार की, हरिद्वार विधानसभा की, जो यहाँ परिवर्तन के लिए वोट देने आए। और ऋषभ देखिए, आपने एक नशे का जो मुद्दा है वो उठाया है क्योंकि ये भी एक चुनावी मुद्दा इस बार बना हुआ है, जनता जागरूक है। देखिए पिछले 5 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में नशा जो है पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लाखों युवा हैं जो नशे की जद में जा रहे हैं, महिलाएं मोर्चा खोलती हैं, नारेबाजी करती हैं, आवाज उठाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर देखने के लिए नहीं मिलता। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि क्यों नशा सबसे बड़ा मुद्दा हरिद्वार में बना हुआ है, पिछले 5 सालों से भी काफी परसेंटेज बढ़ चुकी है, महिलाएं मोर्चा खोलती है, उसके बाद भी जो 20 साल से विधायक है वो रोक नहीं लगा पाए, उनकी तरफ जनता का ज्यादा आक्रोश है क्योंकि 20 साल से विधायक और नशे के ऊपर पाबंदी, उल्टा नशा बढ़ता जा रहा है। तो उड़ता हरिद्वार के नाम से कांग्रेसियों का ये नारा है, उड़ता हरिद्वार के नाम से ये इन्होंने बोल दिया। जी चलिए ठीक है ऋषभ, आप मेरे साथ बने रहिए, पौड़ी से लगातार भगवान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान, अगर तस्वीरें में देखूं जो आपके पीछे नजारा दिख रहा है, बहुत ही दुर्गम इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, जो वहां पर मतदाता मौजूद है उनसे पूछिए कि कनेक्टिविटी की परेशानी कितनी ज्यादा उन्हें होती है क्योंकि इन 2 सालों में कोरोना की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई थी वो ऑनलाइन कर दी गई, तो ऐसे में कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा है क्योंकि ये भी एक मुद्दा बनाया गया है। भगवान जी अनम्यूट कर लीजिए, अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? भगवान आवाज आ रही है मेरी? तो भगवान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देहरादून से सुभाष लगातार बने हुए हैं, सुभाष का मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। सुभाष देखिए, आज लोकतंत्र का जो महापर्व है उत्तराखंड के लिए वो मनाया जा रहा है। बिल्कुल काजल, मैं अभी मेरे साथ यहाँ पे कुछ जो और लोग हैं मैं उनसे भी बात करूंगा किस तरह से यहाँ पे वोटिंग का जोर चल रहा है। भगवान तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो कुछ कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग सर, यहाँ पे जो वोटिंग का जो टाइम हो रहा है, जैसे की अभी सुबह से लोग महिलाएं यहाँ पे पढ़ चढ़ के अपनी वोटिंग करने गए, कितना लग रहा है इसका अभी तक उनका? हाँ, वोट का जब डालने का जो वो है पूरा है यहाँ पे, जैसे 1150 वोटर है, तो अभी तक कितना वोट पड़ चुका है? 40% पड़ गया होगा इसमें। इस बार क्या चाहती है सरकार, तो इस बार पर वोटर क्या चाहता है, कैसे सरकार चाहिए? सरकार को वही मोदी वाले चाहिए, मोदी को चाहते हैं लोग। मोदी चाहते यहाँ पे, जैसे की मोदी की बात करें आपके यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वर्तमान के जो विधायक है सतपाल महाराज झील की बात है तो, लेकिन झील अभी तक जैसे कहा जाता है विकास दिख नहीं रहा है। झील का पैसा उसका स्वीकृत हो गया, अब उसके बाद सरकार चालू हो जाएगा। 20,000 रुपए टोकन मनी जारी होगी ना परसों? जी अभी दो हफ्ते पहले जब टोकन मनी जारी होगी तो उसमें क्या दिक्कत है? टोकन मनी 20,000 रुपए जारी होगी ना? अब जनता बोल रही थी हाँ आपने ठीक किया, जो आज तक काम रुका हुआ था आपका काम जारी है, अब चुनाव खत्म होते काम शुरू हो जाएगा उसमें सब्जी झील पे। लेकिन ये मुद्दा इसलिए भी होता है क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्षेत्र है, हमारे मेरे चाचा का गांव है ये, जहां हम इसमें वोटिंग कर रहे हैं और जहां आप काम कर रहे हैं। झील क्यों रुकी थी आपको तो जानकारी है ना, आप पत्रकार हैं बंधु, तो आपको जानकारी झील क्यों काम क्यों? जब मैंने ये बात पहली बार रिया चैनल को भैया, जब जो है पर्यटन मंत्रालय से
भगवान पौड़ी में कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है, तो आम जनता से आप पूछिए पौड़ी में कनेक्टिविटी को लेकर दो सालों तक कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा है। छुट्टी वगैरह इनके बीच में कुछ अड़चन थी या दो विवाहों भी अड़चन थी, अच्छा अच्छा अड़चन थी, तो हमने काम रुका दिया था। अभी जो तुरंत जो है काम सीखी तो ठीक हो गया। एक सवाल, यहाँ पे नेटवर्क की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मोबाइल कंपनी है उनकी वजह से हो रही है ये, इसमें मुख्यमंत्री और किसी का दोस्त नहीं इसमें। जनप्रतिनिधियों का दोस्त नहीं है? जनप्रतिनिधियों का भी तो काम होता है। मैं भी हूँ छोटा सा, अपना सा काम चाहिए जनप्रतिनिधि। हम आवाज उठाएंगे इस बारे में, जो भी मोबाइल कंपनी यहाँ काम करे वर्तमान में आवाज उठाएंगे भाई। आप क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी समस्याएं भी रहे, आप एक घंटे से आपको काम कर रहे हैं, एक घंटे में आपको नेटवर्क नहीं मिला, उसके बारे में हमें खेद है और हम जनता की आवाज आगे तक, आपकी आवाज जनता की आवाज आगे तक पहुंचाएंगे जरूर। एक सवाल मेरा हो रहा है कि सतकुली व्यापी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन विकास के बारे में कहीं ना कहीं जैसे बोर्ड के घटे घटे आपने भाई आपने जो है आपने एक महीने पहले देखा होगा, थोड़ा बहुत काम हुआ ना काम हुआ है। अभी आप 2 किलोमीटर से यहाँ तक दोहा रोड 2 किलोमीटर डालीकरण हुआ ना। अभी चुनाव खत्म होते ही इसमें आगे दोहरा पक्की दोहरा इसका टेंडर पड़ने वाले, दोबारा पक्की होने वाली है तो। और कोरिडोर की जहाँ तक बात है कोरिडोर सप्ली की कनेक्टिविटी की चलिए ठीक है, भगवान हम समझ रहे हैं पौड़ी में काफी समस्या है आम जनता को। चलिए मैं आपका रुख करूंगी, केशव भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केशव कैसी तस्वीरें, क्योंकि अभी भी आपके पीछे में माहौल देख सकती हूँ, काफी ज्यादा संख्या में मतदाता पहुंचे हुए हैं। और कोई सवाल आपका? केशव मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। केशव कैसी तस्वीरें, क्योंकि आप 4:30 बजने वाले हैं, स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है, कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? लेकिन अभी भी पीछे जो तस्वीरें देख पा रही हूँ, उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि यहाँ 8 बजे से पहले से ही लोगों ने भीड़ लगा ली थी और कहीं ना कहीं लोग जागरूक है मतदान करने के लिए लोग जागरूक है। मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी कतारें सुबह 7 बजे से लग चुकी थी और कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं और अपने मत का दान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं साफ तौर से यह भी कहा जा सकता है, अभी हम मौजूद हैं भेल रानीपुर विधानसभा में, जहां यहां पर अभी तक लगभग 50% से ऊपर जो मत का दान हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं। अगर बात करें हम प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी निर्वाचन आयोग ने भी कई बार लोगों को जागरूक किया है, चाहे वो एलईडी रथ के माध्यम से हो या वर्चुअल माध्यम से हो, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम किया है, लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम किया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस बार पहली बार जो नव युवा आए हैं और मतदान करना चाहते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से मतदान करना है, किस तरीके से ईवीएम, केशव क्या उनसे बात हो पाई है? आपकी जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनके मन में किस तरह के मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं वो उत्तराखंड के भविष्य को लेकर, खुद के भविष्य को लेकर? जी बिल्कुल, अभी तो ऐसे कुछ भी जो वोटर्स हैं वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ इससे पहले जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कि बेरोजगारी और ये जो महंगाई को लेकर है, इनको लेकर हम अपना मत का दान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हमें इनसे निजात मिलती है, अगर हमारे वोट देने से हमें इनसे निजात मिलती है, अगले 5 साल के लिए हमें निजात मिलती है, तो ही हम अगला मत कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर जनता मैदान में है और अब कहीं ना कहीं समझ रही है कि हमने सोच लिया है, समझ लिया है कि हमें कौन सत्ता में चाहिए, कौन नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा पार्टी यहाँ पे हम रानीपुर भेल में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं 2 बार के सिटिंग एमएलए आदेश चौहान भाजपा से यहाँ मौजूद हैं और वो भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, उन पर तीसरी बार भाजपा पार्टी ने भरोसा जताया और कहीं ना कहीं
राजवीर चौहान जो कांग्रेस से हैं, तो उन पर भी कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो इस भेल रानीपुर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चौहान से चौहान को भिड़ाने का काम किया गया है। तो देखो ये तो कहना बिल्कुल अभी साफ नहीं हो पाया है कि किसकी सरकार बन रही है और किसके पक्ष में ज्यादा मत का दान जा रहा है, लेकिन साफ तौर से ये जरूर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, लोगों की लंबी लंबी लाइन है, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक है अपना वोट देने के लिए। जी बिल्कुल केशव, क्या उन इलाकों में जाति फैक्टर नजर आता है? नहीं, देखिए अगर बात करें मध्यम वर्ग की तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी बहुत नजर आती है, लेकिन अगर बात करें हम क्षेत्र पूरे क्षेत्र की तो जातिवाद हमें कहीं नजर जीरो ग्राउंड पे नहीं आता है। बिल्कुल केशव, अगर देखा जाए तो आदेश चौहान के सामने जो है राजवीर सिंह चौहान को उतारा हुआ है कांग्रेस ने, तो ऐसे में जनता के सामने किस तरह की समस्या बनी हुई है? क्योंकि कांग्रेस को भी लगातार सत्ता में जनता लेकर आई और देखा, उसके बाद बीजेपी को लेकर आई, वो भी देख रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का एक पहले से बना रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं और चार सरकार बदली हो तो चार बार दो बार बीजेपी रही है और दो बार कांग्रेस। तो ये देखना होगा कि उत्तराखंड की आवाम, उत्तराखंड की जनता इस बार इस पहलू को तोड़ती है या ये ठहरा यूं ही चलता रहेगा। जी केशव, लेकिन अब से पहले दो पार्टियों में कांटे की टक्कर रहती थी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन अब तीसरी पार्टी विकल्प के तौर पर सामने आ गई है आम आदमी पार्टी, तो क्या इसका असर देखने के लिए मिल रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी उभर के सामने आई और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड का दौरा करते रहे हैं, लोगों से लोभ लुभावन बातें करते रहे, लेकिन एक चीज कभी साफ नहीं हो पाई है कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री जो लोग लुभावन बातें कर रहे थे तो वो कहां से आएगा, उसका बजट कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। लोगों के लिए तीर्थ यात्रा मुक्त थ्री जो मुक्त है मुफ्त दिलाने की बात कर रहे थे तीर्थ यात्रा की, तो वो कैसे संभव हो पाएगा, ये कभी उन्होंने बड़ा सवाल है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं लोग लुभावन बातें तो उन्होंने की है, अब इसका असर कितना हुआ है जनता पे तो ये देखने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं इसका फैसला 10 मार्च को होगा। जी बिल्कुल, और लगातार भगवान भी मेरे साथ बने हुए पौड़ी से। भगवान, आप लगातार मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं, किन किन मुद्दे पर वो चुनाव इन चुनावों में मतदान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि दुर्गम इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में ये समस्या हमने 2 साल देखी है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई थी जब स्कूल के जो बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, नेटवर्क तलाशने की कोशिश कर रहे थे। तो भगवान सिंह तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उससे पहले आपको अपडेट बता दूं मैं कि उत्तराखंड में फिलहाल 50% तक मतदान हो चुका है और लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया सुबह से ही एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, हर एक विधानसभा से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं वो हम तक साझा कर रहे हैं, कैसे हालात हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं वो भी मतदान कर चुके हैं, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें ताकि उनकी चुनी हुई सरकार जो है वो सत्ता पर काबिज हो, ताकि उनके लिए काम हो सके, उत्तराखंड का विकास हो सके, उनके क्षेत्र का विकास हो सके। ये तस्वीरें कुछ आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, बढ़ चढ़ कर मतदान केंद्रों पर पहुँच रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, दरअसल काशीपुर बायपास रोड स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज बूथ नंबर 24 में मतदाता पर्ची के पीछे भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा की फोटो छपी मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के पति अनिल शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हंगामा काटते हुए नजर आए हैं, तो मतदान में गड़बड़ी का आरोप भी लगा है। मतदाता पर्ची के पीछे बीजेपी प्रत्याशी की फोटो छपी थी तो मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पीठासीन अधिकारी से लेकर शिकायत की है काशीपुर बायपास
रोड स्थित बूथ संख्या 22 और 24 में पहुंचे मतदाताओं के हाथ में मतदाता पर्ची के बीच में भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा की फोटो छपी देख हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की रुद्रपुर से। मौके पर कांग्रेसी प्रत्याशी वीना शर्मा के पति अनिल शर्मा, सुशील गाबा सहित आधा दर्जन कार्यकर्ता पहुंच गए। हंगामा काटा, साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करते हुए शिकायत पीठासीन अधिकारी सचिन सक्सेना से लिखित की है और कार्रवाई करने की मांग की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की रुद्रपुर से आपको बता रहे हैं। गन्ना इंटर कॉलेज है जिसमें यह पर्ची छपी हुई है जो कि अलाउड नहीं है। ये देखिएगा, ये प्रिंट आउट पर्ची है भारतीय जनता पार्टी वालों की। इसमें हम ऑब्जेक्शन करते हैं, इसमें हम बिल्कुल आपत्ति दर्ज करते हैं। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, आप सुनाइए जी, ऐसा क्यों हो रहा है? पर्ची बेलो बांटती है। मैं पीठासीन अधिकारी को अपनी मैं शिकायत दर्ज करा कर आया हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, ये निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। लो देखो, ये मैं दे रहा हूँ आपको, ये देखिएगा। मैं और अनिल शर्मा जी अभी इसमें आपत्ति दर्ज कर कर आए हैं। ये क्या बात हुई? मैंने अपना वोट भी डाला है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है और हम लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की कोई भी पर्ची नहीं है। ये लो पूरी लो, ये लो, ये लो, फाड़ेंगे नहीं, टेप लगा लेंगे, सारी पर्चियां आ रही है। ये देखो, ये जगह नाम लिखा है। ऐसे करो, ऐसे, अरे जरा वीडियो बना भाई, ऐसे करो, ऐसे करो। अरे पूरी मैंने मुझे दिखाई गावा जी, पर्ची पर्ची क्या है, किसी यूज में आ रहा है? ये लो, खड़े हो, अंदर लेके जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, इसको वोट देना है। थोड़ा थोड़ा सुजीत भाई, एक साइज करो। इसकी शिकायत कर दी आपने? इसकी हमने वीडियो छपी है। और निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि कोई भी पार्टी जो है राजनीतिक तौर पर पर्चियां नहीं बांट सकती, बी लोगों की ड्यूटी लगाई तो किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की पर्चियां जो है वोटिंग के दौरान अंदर जा रही है जो उनकी फोटो के साथ, ये निर्वाचन आयोग का देश के कानून का सख्त उल्लंघन है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये उल्लंघन ही है। जब पत्ताजी का फोटो भी लगा है, जब हम नहीं जा रहे हैं अंदर लेके कोई पर्ची पार्टी की, तो ये इनको क्या अधिकार है? ये पर्ची आपको, शर्मा जी, ये पर्ची आपको किसके हाथ से मिली है? बहुत सारे लोगों के पास है, नाम भी लिखा है और वोटर का नाम भी लिखा है। एक ये भी मेरे पास, दो आए हैं, बहुत सारी पर्ची हमने लिए वहाँ से। ये देखो, ये देखो, एक ये कितनी है। और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो जैसी पर्ची आए तुरंत पीठासीन अधिकारी को लिखित शिकायत दे। हमने यहाँ पर शिकायत दे दी है। तो रुद्रपुर से तस्वीरें आपने देखी जहां पर काशीपुर बायपास रोड स्थित आरेंटर कॉलेज में बूथ नंबर 24 में मतदाता पर्ची के पीछे पे भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा की फोटो छपे मिलने से कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के पति अनिल शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा है। उनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, साथ ही साथ मतदान में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। फिलहाल इसकी लिखित शिकायत कर दी गई है और कार्रवाई करने की मांग की है। तो इस तरह की छुटपुट खबरें जो हैं वो अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी थी और कुछ मशीनें खराब हो गई थी, उन्हें दुरुस्त कराया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पहले से ही तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम पार्टियों को हिदायत दी गई है कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जो रुद्रपुर से आपने देखी जहां पर मतदाता पर्ची के पीछे भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा की फोटो छपी मिल गई और कांग्रेस ने इस मामले को पकड़ लिया और काफी हंगामा काटा है और इस पे कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने, उनका हम रुख करें। उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 632 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी किस्मत शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगी। नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन आज शाम 6 बजे तक कहीं ना कहीं स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि भाजपा का यह कहना है कि जितना ज्यादा वोटिंग प्रतिशत होगा इसका मतलब ये है कि भाजपा जीत रही है। लेकिन कांग्रेस इस पर कटाक्ष करती हुई कहती है, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बार बार भाजपा ये कहती है कि हमने विकास की गंगा बहाई है, इस वजह से जनता हमारे साथ है। लेकिन कांग्रेस पूछती है कि आप 4 काम गिनवा दीजिए और हम मान जाएंगे कि आपने उत्तराखंड में काम किया है। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि वो सरकार रिपीट नहीं करती, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, इस तरह की तस्वीरें जो है उत्तराखंड में देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में इस बार क्या स्थिति हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व की, जहां पर महिलाएं भी भारी संख्या में पहुंची हैं और वोट डाला है।
मेरे सहयोगी सुभाष और केशव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सुभाष, एक खबर सामने आई अभी रुद्रपुर से, जहां बूथ नंबर 24 में मतदाता पर्ची के पीछे भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा की फोटो छपी मिली। कांग्रेस प्रत्याशियों ने खूब हंगामा काटा है। लगातार इन राजनीतिक दलों को और प्रत्याशियों को हिदायत दी जा रही है कि आचार संहिता को उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें आखिर क्यों सामने आ रही है, क्या जताने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि वोट पाने के लिए जो प्रतिनिधि हैं, ये जो प्रत्याशी हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालांकि जो निर्वाचन आयोग है वो जरूर इन पर नजर बनाए हुए, और यदि इस प्रकार की घटना रुद्रपुर में होती है तो शायद इसको लेकर निर्वाचन आयोग कोई बड़ा फैसला भी लेगा। हालांकि इसकी जांच भी निर्वाचन आयोग की टीम कर रही होगी, और निर्वाचन की जो तमाम जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो सभी पोलिंग बूथ पर, और शायद इसकी जांच भी कराई जाएगी। लेकिन ये केवल मामला रुद्रपुर का नहीं, जिस तरीके से सुबह हरिद्वार जिले में भी ईवीएम लगभग एक घंटे तक बंद रही, तो शायद इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और उन्हें लंबी लंबी कतारों में लगने के साथ ही उनका समय भी खराब हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं निर्वाचन की जो टीमें हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही है, और निर्वाचन आयोग की जो टीम है, चाहे वो देहरादून में हो, हरिद्वार में हो, या फिर दूर दराज के जनपदों में हो, सभी लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और इस तरीके की कोई घटना ना हो उसको ले ले उसको लेकर सभी अधिकारियों को मुस्तैदी से रहने के लिए भी कहा गया है। लेकिन इस तरह से जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, जनता पूरी तरह से जागरूक है, जनता समझ चुकी है कि कौन उनके हित में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि इस बार जो फैसला है वो जनता के हाथ में, और जनता को ही अधिकार दिया गया है कि वो अपना वोट के जरिए एक बड़ा चोट उन लोगों पर कर सकती है जिन्होंने विकास के नाम पर जनता को छलने का काम किया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। लेकिन इस यही वो मौका होता है जब जनता के पास अधिकार होता है, वो अपना नेता चुने और उस नेता को चुने जो उनके लिए काम करे, उनके क्षेत्र में विकास करे, और विकास ही नहीं बल्कि उन लोगों को समझने की भी कोशिश करें। जब कोरोना काल जैसी समस्याएं जब आती हैं तो उन लोगों के घरों का भी ध्यान रखें और उनको बेहतर सुविधा देने का काम भी करें। तो कहा जा सकता है ये मौका है लोगों के पास कि वो अपने जो नेता है उसको चुने और अपने मत का प्रयोग भी करते हुए नजर आए। लेकिन अगर अभी 3 बजे की बात की जाए तो लगभग 39% मत पूरे प्रदेश में हुआ है, जबकि उत्तरकाशी जनपद में सबसे अधिक मतदान हुआ और अल्मोड़ा जनपद में सबसे कम मतदान देखने को मिला। यानी कि कहा जा सकता है कि जो वोट परसेंट की बात कही जा रही थी कि आखिरकार वोट परसेंट शाम ढलते ढलते बढ़ेगा, तो वो अभी नजर आ रहा है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि यदि वोट परसेंट तेजी से बढ़ता है तो शायद इसका बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि अनुमान देखा जाता है जब वोट परसेंट उत्तराखंड में बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा हर बार बाजी मार लेती है और उसका फायदा भाजपा उठाती है। यदि वोट परसेंट कम होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर इसका फायदा मिलता नजर आएगा। लेकिन ये तो सुभाष, लेकिन इस फैक्टर को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि जनता भी ये जानना चाह रही है कि अगर वोट प्रतिशत ज्यादा है तो इसका मतलब भाजपा ही कहती है कि भाजपा जीत रही है, लेकिन वोट प्रतिशत कम है तो इसका मतलब कांग्रेस जीत रही है। इस फैक्टर को हम कैसे समझ सकते हैं, जरा ये भी समझाइए दर्शकों के लिए। ये बिल्कुल, ये माना जा सकता है उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य, और पहाड़ी राज्यों में जो लोगों की रुचि है वो भाजपा में बहुत अधिक है। यदि मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ये माना जा सकता है कि भाजपा की तरफ लोगों का रुख बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में अनुमान ये देखा जाता है 3 से 4 या बहुत ज्यादा हो गया तो 5 बजे तक लोग वोट करते हैं, क्योंकि उसके बाद उन क्षेत्रों में अंधेरा हो जाता है और जो बूथ होते हैं वो लगभग उनके गांव से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पे होता है, कोई 5, और ऐसे भी क्षेत्र हैं जो 12 किलोमीटर पैदल चढ़कर वोट देने पहुंचते हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि यदि वोट परसेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो वोट हैं वो उस ईवीएम में कैद हो रहे हैं, और वोट परसेंट यदि कम हो रहा है तो कहा जा सकता है कि भाजपा के वोट कट रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर भाजपा ही भाजपा पर पूरा डिपेंड करता है कि यदि वोट कम होते हैं तो भाजपा के कट रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो भाजपा के बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के जो वोट हैं वो मैदानी क्षेत्रों में बहुत बेहतर होते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में इसीलिए देर शाम के समय भी वोटिंग बहुत तेजी से होती है और वोट परसेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सुबह से आपने देखा होगा कि राजधानी देहरादून में जिस तरीके से सुबह 8 बजे वोट परसेंट बहुत तेजी से बढ़ा, लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से पोलिंग बूथों पर पहुंचे, और उसके बाद दोपहर सुबह 10 बजे से लेकर ये माना जा सकता है कि 1 बजे तक जो वोट परसेंट है वो बहुत तेजी से घटा, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत कम हो गई, और 2 बजे के बाद फिर एक बार फिर तेजी आई मैदानी क्षेत्रों में और वोट परसेंट बहुत तेजी से बढ़ा। अभी भी उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे तक मैदानी क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे, और ये उम्मीद की जा रही है कि यदि वोट परसेंट बढ़ता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं राज्य सरकार यानी कि बीजेपी उठा सकती है उत्तराखंड में। जी सुभाष, देहरादून में क्या लग रहा है वोटिंग प्रतिशत? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि
बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि देहरादून में केवल 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं में दो ऐसी विधानसभाएं हैं जो कहीं ना कहीं पहाड़ को टच करती है, यानी कि पर्वत को टच करती है, चाहे वो चकराता विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है। हालांकि राजधानी देहरादून जिले में जरूर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी चकराता क्षेत्र में जो वोट परसेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए और उम्मीद ये की जाती है कि जब चकराता में वोट बहुत ज्यादा पड़ता है तो कांग्रेस के हक में जाता है, यानी कि चकराता की स्थिति प्रदेश के और विधानसभा सीटों से बहुत अलग है और यही वजह है कि राजधानी देहरादून यानी कि देहरादून जनपद में सबसे अधिक वोट परसेंट चकराता विधानसभा में और सबसे कम वोट परसेंट शहर की जो सबसे महत्वपूर्ण सीट कही जा सकती है कैंट विधानसभा सीट, उस सीट पर है। यानी कि ये साफ है कि मैदान में जो उम्मीद करते हैं कि देर शाम को भी वोटिंग होती है उसका इंतजार है और शायद उम्मीद इसीलिए की जा रही है कि कैंट में भी अब वोट परसेंट बढ़ेगा, लेकिन सबसे अधिक वोट परसेंट चकराता विधानसभा में देखने को मिल रहा है देहरादून जिले के अंदर। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि देहरादून कैंट विधानसभा में सबसे कम वोट पड़ते हैं? क्या वहां के लोग जागरूक नहीं है? ये भी मैं नहीं कह सकती क्योंकि शहरी इलाका है तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल, अगर कैंट की एक बड़ी वजह ये भी है कि इस क्षेत्र में अधिकतम जो लोग हैं वो अपना व्यवसाय करने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, अन्य क्षेत्रों में रहते हैं और जब मतदान का दिन होता है उनमें से कुछ लोग पहुंच पाते हैं और कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद ये की जा रही है कि कैंट विधानसभा में शाम 6 बजे तक वोट परसेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा और क्योंकि वोट परसेंट बढ़ेगा तो शायद इस कैंट विधानसभा में भाजपा को भी इसका फायदा हो, क्योंकि जब से कैंट विधानसभा सीट बनी है तब से लेकर आज तक ये सीट केवल भाजपा के कब्जे पर रही और जो यहाँ से विधायक थे वो थे हरबंस कपूर जी, शायद अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी तरफ से उनकी धर्मपत्नी इस बार चुनाव मैदान में उनको उतारा गया और वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम तक इस विधानसभा में भी वोट परसेंट बढ़ सकता है। जी बिल्कुल सुभाष, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका रुख करूंगी। केशव भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। केशव, कैसी तस्वीरें हैं दिखाइए जरा। केशव मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या आपको? जी मिल जी। केशव तस्वीरें कैसी दिखाइए जरा, मतदाताओं से बात करिए, समय कम है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं वोटर अब जो है समय कम रह गया है तो इस को लेकर कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ रही है और लोग यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे, देखेंगे इनसे बात करेंगे किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर इस बार ये वोट डालने आए। जी क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान कर रहे हैं? मतदान क्या है, तो कोरोना काल चल रहा है और उसके बाद भी लोगों का थोड़ा काम मतलब चले आए। मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर, किन सोच को लेकर इस बार किस पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं? अच्छा, पार्टी को तो भाजपा को ला रहे हैं कि देश में शांति है, शांति चाहिए, सुकून है, लाइट सही मिल रही है और मतलब पानी की सुविधा भी है, परेशान कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल और लोगों की तरफ बढ़ेंगे हम। जी क्या नाम है वैसे आपका? सेवन खान जी, किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करने पहुंचे हैं? जी भीड़ हो रही है, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी मौजूद हैं तो उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल आप क्या नाम है आपका? गोविपाल जी, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार मतदान करने पहुंचे? सरकार बढ़िया चल रही है, तो साफ तौर से इनका कहना है कि भाजपा की जो सरकार है, दो बार के यहाँ सिटिंग एमएलए आदेश चौहान है, भेल रानीपुर विधानसभा सीट के एक बूथ में हम मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का साफ तौर से कहना है कि इस जिस तरीके से यहाँ पे सरकार चल रही है, सिटिंग एमएलए दो बार से काम करते आदेश चौहान पर ही विश्वास जताने की तैयारी आम जनता ने कर ली है। केशव बिल्कुल, आम जनता ने जो अगर भेल रानीपुर जनता की हम बात करें, आम की हम बात करें तो दोबारा से ही अगर जीरो ग्राउंड की बात करें तो दोबारा से आदेश चौहान पर ही विश्वास जताने का मन बना चुकी है रानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। केशव, आम आदमी पार्टी जो कि तीसरे विकल्प के तौर पर मैदान में है, उसका असर कितना दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, रानीपुर से जो आम आदमी के प्रत्याशी प्रशांत राय उतारे गए हैं, लगातार वो लोगों से डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क करते रहे, कहीं ना कहीं लोगों से बिल्कुल मिलते भी रहे हैं और डोर टू डोर जाकर उन्होंने कैंपिंग भी की है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा है कि जिसमें उनके चुनाव प्रचार ना हो पाए। लेकिन अगर साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से नई पार्टी है, लोगों का मन उधर उभना चाहिए था और लोग जिस तरीके से लोग लुभावन बातें की गई थी, तो ऐसा क्षेत्र की जनता में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर से आप तो कह सकते हैं कि इस बार केवल और केवल क्षेत्र की जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उतरी है, क्या अगले 5 साल तक इस तरीके से टिकी रहेगी, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीत पाएगी आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। सुभाष का मैं रुख करूंगी। सुभाष, अब समय बहुत कम रह गया है क्योंकि 5 बजने वाले हैं, सिर्फ 1 घंटा, आखिरी 1 घंटा है। क्या लग रहा है, स्थिति किस तरफ जा सकती है, वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो सकता है? हमारी भी इसी पे है कि आखिरकार जो वोट परसेंट है वो कितना बड़ा इस समय तक, और यदि वोट परसेंट बढ़ता है तो शायद ये माना जा सकता है कि भाजपा जो उम्मीद कर रही है कि वो सरकार प्रदेश में बनाएगी तो वो बना सकती है। लेकिन इस बार क्योंकि चुनौतियां केवल भाजपा सरकार बनाने से नहीं है, क्योंकि भाजपा ने जो वादे किए थे जनता के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव से, उन वादों में कितनी सच्चाई है, वो वादे कितने पूरे हुए 5 सालों में, ये भी जनता देखेगी। क्योंकि कुछ जनता ये मान सकते हैं कि भाजपा को समर्थन करती है, भाजपा को लेकर वोट देती है, मोदी के नाम पर वोट देती है, योगी के नाम पर वोट देती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार के 5 साल के कार्यकाल को गिनने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इन 5 सालों में सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया, सरकार ने जो वादे जनता के साथ किए वो क्या पूरे हो पाए, यदि नहीं भी हो पाए तो कितने प्रतिशत जो घोषणाएं थी उनकी पूरी हो पाए। हालांकि जो अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा काफी मात्रा में वोट करने पहुंचते हैं उत्तराखंड में, और यही एक बड़ी वजह है कि बुजुर्गों के साथ युवा भी वोट बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड में करते हैं, चाहे पहाड़ में हो या फिर मैदानी क्षेत्र में। लेकिन उन युवाओं को कितना रोजगार सरकार दिला पाई, और यदि नहीं दिला पाई तो उनको सशक्त करने के लिए राज्य सरकार ने ऐसी क्या योजना बनाई कि वो पहाड़ों में टिके रहे, उनको नौकरी के लिए शहरी क्षेत्रों में ना जाना पड़े, पहाड़ से पलायन ना करना पड़े। ये तमाम इश्यों को लेकर इस बार जनता वोट करेगी और इंतजार रहे तो पलायन कैसे रोकेंगे? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो नेता है वो पलायन करते हैं, और पलायन इस वजह से भी करते हैं, जो अगर मान लिया जाए कि पहाड़ का कोई विधायक है तो वो पहाड़ में कम रहता है, राजधानी देहरादून में उसका घर जरूर बन जाता है, और राजधानी देहरादून में घर बनाने का मतलब है कि वो पहाड़ से पलायन कर चुका है। लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए उन्हीं क्षेत्र में जाता, उन्हीं जनता के बीच जाता है, और फिर जनता को रिझाने की कोशिश करता है कि हम एक बार फिर विकास करेंगे और हम पर भरोसा कीजिए। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो हर बार होता है उत्तराखंड में, एक बार बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार, तो इस बार कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, क्योंकि बीजेपी डबल इंजन का नारा लेकर जनता के बीच पहुंची थी और कांग्रेस 4 धाम 4 काम के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंची थी। कांग्रेस का बिल्कुल साफ तौर से कहना था कि डबल इंजन की सरकार और राज्य सरकार, दो सरकारें उत्तराखंड में थी, क्योंकि केंद्र की सरकार की भी बहुत मदद राज्य सरकार को मिलती है, लेकिन राज्य सरकार अपने केवल 4 काम गिनाए जो उन्होंने इन 5 सालों में किए हों, जिसको लेकर वो जनता के बीच पहुंचे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, यानी कि राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सरकार ने की ऑल वेदर रोड हमने बनाई, नेशनल हाईवेज हमने बनाए, इसके साथ ही पर्यटकों को, पर्यटक जो स्थल थे उनको उनका सौंदर्यकरण हमने किया, तमाम महत्वपूर्ण केंद्र की जो योजनाएं थे वो गिनाने का काम राज्य सरकार और बीजेपी के जो तमाम नेता है वो करते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल साफ तौर से कहा कि केवल 4 काम गिनाने में भी भाजपा सरकार नाकामयाब है, और कुल मिलाकर महंगाई, रोजगार और तमाम जो विषय हैं जो राज्य सरकार ने कहे थे 2017 से पहले कि वो प्रदेश में उन सभी चीजों को खत्म कर देगी, वो उनका स्तर और बहुत तेजी से बढ़ा है, चाहे वो रोजगार हो, रोजगार नहीं मिल पाया है, महंगाई चरम सीमा पर भाजपा सरकार ने पहुंचाई, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच पहुंची थी, और शायद इनका कितना फर्क और कितना असर जनता के बीच वो डाल पाई है ये तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा कि आखिरकार जनता ने इस बार किसको वोट दिया और किसको जनता पसंद करती, क्या डबल इंजन की सरकार को फिर एक बार मौका मिलता है, या फिर इस बार जो डबल इंजन की सरकार 2017 में बनी थी उनको हटाकर कांग्रेस पर प्रदेश की जनता भरोसा करती है। जी सुभाष, फ्री की राजनीति लोगों को कितनी पसंद आ रही है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर जरूर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन
वो अपना खाता खोलने में भी कामयाब होती है या नहीं होती है, ये भी एक संशय बना हुआ है, क्योंकि जो उनके कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं कहीं ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो की जमानत भी अपनी जब्त करा सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने फ्री का लॉजिक बड़ी संख्या में उत्तराखंड में दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहाड़ और दूर दराज के उन क्षेत्रों में एक भी भ्रमण उनका चुनाव के दौरान नहीं रहा, चुनाव से पहले नहीं रहा। कुल मिला के वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जो विधानसभा है, यानी कि जो मैदान की जो विधानसभा है, उन्हीं में वो जनसभा करते हुए नजर आए, उन्हीं क्षेत्रों में वो जाते हुए नजर आए, लेकिन पहाड़ के दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां कभी अरविंद केजरीवाल भी नहीं पहुंचे। लेकिन क्योंकि उन्हें 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने थे, तो यही वजह थी कि उन्होंने 70 प्रत्याशी तो उतारे, लेकिन क्या वो प्रत्याशी कमाल कर पाएंगे और क्या उनमें से कोई जीत कर विधानसभा पहुंचेगा, ये भी एक उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशव का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई। तो 5 बज चुके हैं, 1 घंटे का समय बचा है, 1 घंटे में ये अंदाजा लगाया जाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। ज्यादा प्रतिशत रहा तो बीजेपी के चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं, अगर कम वोटिंग प्रतिशत रहा है तो कांग्रेस के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लगातार जो नज़र है ग्राउंड जीरो पर वो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की बनी हुई है, चुनावी कवरेज लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुँचा रहा है। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चुनावी कवरेज लगातार जारी रहेगी।